कभी ना सुबह मैं नहाई थी और उसके बाद खाना खा के फिर मैं सो गई हूँ, तो मैं देखी ऐसी कि ऐसी उठी हूँ अभी सो के, और इधर मैं जा रही थी बात चाय बनाने जो कि मैंने रखी हुई है, और उसमें देखिए मैंने डाला हुआ है ऑयल जो कि बनानी है मुझे चिप्स फ्राई करने हैं। हाँ बेटा, नमकीन चाहिए, अयान को चाहिए नमकीन, और अयान मेरा तैयार घूम रहा, कह रहा मम्मा घूमने चलो, तो मुझे अभी जाना है किसी से मिलने के लिए, तो इस वजह से मैं तैयार नहीं हुई थी, मैं ऐसी ना धो के ऐसे ही लेट गई थी। मैंने सोचा जब जाऊंगी तो कपड़े भी मुझे चेंज करने हैं, और ये भी घर पे ही हैं, और अयान मेरा आ इधर देखना, इधर आओ, और देखिए अयान मेरा ना रेडी घूम रहा है, तो अयान ने अभी कपड़े पहन लिए थे और फिर ये सो गए बोलते बोलते कि मम्मा चलो चलो, फिर ये भी सो गए, मैं भी सो गई। तो अभी देखिए मैं पापड़ फ्राई कर लेती हूँ, और इधर चाय खोल रही है, मैंने दूध नहीं डाला अभी तक, क्या है बेटा मम्मा चिप्स बना रही है अभी, नमनीक नहीं खानी है, जब मम्मा लेके आ रही है जाओ। अयान मेरा ना अजीब से नाम रखेगा, नमकीन को नमनीक बोलेगा, देखिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहाई धोई नहीं हूँ, बस ऐसे ही सूखे उठ गई हूँ सुबह सुबह, ऐसा लग रहा है। क्या बेच रहे हो यार? क्यों भैया? हैं? आ जल्दी आओ। हम दोनों रेडी हो गए हैं, और आज ना अयान की और मेरी सेम सेम कपड़े हो गए हैं। आना दिखाना आनू। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ये कुर्ती में ना बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, और मेरे अयान की देखिए टी सेट सेम सेम है मम्मा की आनू की। सेम सेम है ना? अयान कह रहा है कि अयान ने ना क्रीम कलर की पैंट पहन रखी है, तो अयान कह रहा है कि मम्मा की पैंट और मेरी सेम सेम है। नहीं इधर आवाज सुनो, इधर देख, देखिए अयान मेरी कैसे दिखा रहा है, दिखा ना, सेम सेम है ना। अब मैं रेडी होके बैठ गई हूँ, और इनको अभी छुटकारा नहीं मिला फोन से, अब भी फोन पे बात करे जा रहे हैं ये, और फिर मेरे से बोलेंगे ना कि तुम इतना टाइम लगाती हो तैयार होने में, और मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ कुछ ज़रूरी काम से, क्या काम से जा रही हूँ वो मैं बताऊँगी आपको बाद में, और ना घर से निकलने का ना इतनी गर्मी हो रही है, दिल्ली की गर्मी भी मशहूर है और सर्दी भी, क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ती हैं, सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है कि घर से बाहर निकलो, कमरे से बाहर जा रही हूँ ना वैसे ही ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं गरम गरम ऑक्सीजन ले है, ऐसा हो रहा है। चलो चलिए मैं इनके कपड़े निकाल लूँ, ये तो ऐसे ही लगे रहेंगे फोन में, और ये मुझे छोड़ के चले आएंगे, और मैं और आनू रह जाएंगे जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ, है ना। अयान का कोई भरोसा नहीं, पता लगे अब लो, अयान कह रहा मैं तो डैडू के साथ वापस आ जाऊँगा। वापस आ जाओगी बेटा? मम्मा पार्क नहीं जा रही है, याद कह रहा मम्मा पार्क जा रही है, पार्क नहीं जा रही है मम्मा। डैडू पूछ के आओ क्या पहनोगे, टी शर्ट पहनना है या शर्ट पहननी है पूछ के आना, फिर मैं वही कपड़े निकालूं। ये तो बेटा बने आए हैं, जा पूछ के आओ। इनका तो ना फोन से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती, जब देखो तब फोन फोन फोन, बाहर रहते फिर भी बिजी रहते हैं, और घर में रहते हैं तो फोन से छुटकारा नहीं मिलता है बिल्कुल भी। अनु कौन से पार्क में जा रहा बेटा? वहां की बिहारी तो ये रखा लाओ, मैं तो देखो लगाने वाला कोई नहीं है, चश्मे इतने पड़े हुए इसमें। ए हीरो इधर आ,
अयान ये नहीं बोलेगा कि आगे देखो पीछे देखो। क्या बन गए हो? ये तुम डाल के आए हो। अयान ने स्टार्ट कर ली। देखो पसीना धक्का मारने से चलेगी। देखिए धक्का लगा रहा है यार मेरा। मैं लाइट बंद कर दूं। बस बढ़िया। 6 बजे निकली थी घर से और फिर हम लोग गए मार्केट। अब आ गए हैं किट्टू के घर रात में। किट्टू इंतजार कर रहा है। हाँ। किट्टू बर्फ जम जाती है। किट्टू ले आया। हाँ। सुबह उठे हो ना तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो गैस कमर। अच्छा देखिए जो जो है ना स्प्रिंग टाइप की जो पूरी जो सामान लेके आई हूँ वो मैं सोनी को दिखा रही हूँ। तो सारा देखिए बाजार खोल रखा है इस टाइप में। और ये एक मैं अपने लिए ना चुन्नी लेके आई हूँ। काफी दिन से मैं सोच रही थी लाने कुर्ती का भी कलर अच्छा। ओए गेट बंद कर दे। इधर देखिए मेरे मेहमान कैसे आराम से बैठे हुए हैं। बहुत क्यूट बच्चा है ये। चलो आ जाओ। चलिए अब मैं जा रही हूँ घर। रात के 11 बज चुके हैं। टाइम ना मालूम नहीं पड़ता है। और आज अयान ने जीतू ने इतना महाभारत किया है दिमाग खराब कर दिया दोनों ने। जहाँ ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ना माँ इनकी फरमाइशें कभी पूरी नहीं होती। किट्टू किट्टू लगाए खेलना मैं भी उस टाइम पर। और सोनी लगी है बर्तन धोने में। आज हम लोगों ने 11 बजे खाना खाया है। हम लोग बैठे बातें करते रहे और डिस्कस क्या कर रहे थे। अब सोनी का ये मकान तोड़ के दोबारा से बनवाएंगे तो बस उसी बारे में आप लोग बात कर रहे थे बैठ के। नक्शा पास करवाना है तो कैसा बनाना कैसा नहीं बनाना तो वही सारे बैठ के करीब 1 से 1.5 घंटा लग गया उसी बात के पीछे। हो जाता ना अगर कोई बात एक छिड़ जाती है ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें और टाइम भी नहीं मालूम पड़ता। देखिए अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। सोनी ने तो अपना दूध जमाने लग गई है लेकिन अब मैं जाऊंगी घर जाके मुझे भी दूध जमाना है। गर्म करके तो मैं रखे आई थी फ्रिज में। पहले तो मैं घर जाके नहाऊंगी। जाके घर से बाहर निकलो ना और फिर वापस घर पर जाओ तो नहा। चलो तुम करो मैं जा रही हूँ। क्या कर रहा हूँ खाली है। ये भी जाएगा कह रहा है कि मैं भी बैठूंगा। क्या लाना है दूसरा? पापा। अयान क्या कह रहा है? मम्मी पापा गंदे हैं दूसरे पापा लेके आओ। बाबा का पापा दूसरे पापा ले गए।
फिर से मैं बैठ गई हूँ बाज़ार खोल के, क्योंकि जो सामान ये मैंने लिया था ना तो इन्होंने देखा नहीं था, तो बस इनको मैं दिखा रही थी। और इधर मैंने दो साड़ियाँ ये खोल के रखी हुई हैं, तो मैं इसका ब्लाउज देख रही थी इनके ब्लाउज कैसे हैं। और ये साड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट हैं कपड़े में, और मुझे ना हल्की साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये देखिए मैं एक चुन्नी लेके आई थी जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी लाने के लिए, तो आखिर मैं ले ही आई हूँ। और काफ़ी अच्छी लग रही है, ये रेड कलर की है और इसका जो कपड़ा है ना वो नेट का है। तो चलिए अभी इस टाइम पे ना रात के 12 बज चुके हैं, तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं एंड करूँगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।